क्या हमारे को किसी भी लिंक पर क्लिक करके वहाँ से लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर करना चाहिए हाँ तो मैसेज करके ज़रूर बताएं, अगर नहीं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं कि हमें हमारे पास कहीं से भी लिंक आता है तो क्या हमारे को वो जो लिंक को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको इसी के ऊपर एक बात बताता हूँ, हमारे इसी यूजर के साथ क्या हुआ है, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि मतलब जैसे उसके पास लिंक आया उन्होंने जो लिंक था उसको तुरंत ही क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करा जो उनका सारा डाटा था वो उस कंपनी के पास एक्सेस हो गया, मोबाइल नंबर और जो उनकी फ़ोटो गैलरी सारा उसके पास एक्सेस हो गया। अब उसके पास क्या हुआ, दो दिन बाद ही उसके पास कॉल आ गई कि आपने हमारे से 6000 रुपये लिए और एप्लीकेशन में भी वहाँ पे मेंशन कर दिया। वो कह रहा है कि मैंने जब लोन लिया ही नहीं तो मेरे को ये ऐसी कॉल आई क्यों। चलो वो कॉल आ भी गई तो उसके बाद मतलब उसमें लिखा हुआ रहा है कि अगर आप हमारी रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी जो फ़ोटोएँ हैं उसको गलत तरीके से यूज करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है हमारे पास है, हम आपके जितने भी यूजर हैं सबको वो प्रोवाइड कर देंगे, मतलब सेंड कर देंगे और आपको पूरा तरह से वो करेंगे। और उन्होंने किया भी, उन्होंने क्या करा उसके बाद जितने भी उसके फ्रेंड लिस्ट थे सारों पे वो मैसेज कर दिया और उसमें लिखा कि ये बंदा फ्रॉड है, इसने मेरे से लोन लिया। जब उस भाई ने लोन लिया ही नहीं, जब उस भाई ने लोन लिया ही नहीं तो वो कंपनी कौन सी थी, क्या थी क्या नहीं थी, अभी मैं आगे चलकर उस कंपनी का नाम भी बताऊंगा। और सिर्फ मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई लिंक आता है, अगर आ भी जाता है गलती से, तो उस लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि सारे लिंक फेक ही होंगे, कुछ लिंक होते हैं जो ठीक भी होते हैं, बाकी कुछ का नहीं पता जो लिंक आते हैं वो फेक आते हैं। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका सारा डाटा एक्सेस हो जाएगा और जैसे डाटा आपका एक्सेस हो जाएगा तो आप हरासमेंट का भी शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आपको पूरे कभी भी लोन को अप्लाई करना तो प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर पर जाने के बाद अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता इनकी रेटिंग के बारे में तो उसके बाद आप YouTube पर जा सकते हैं। YouTube पर जाने के बाद आप 4 से 5 वीडियो देखोगे, आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो कंपनी है वो NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं है। अगर NBFC रजिस्टर्ड कंपनी होगी तो आप वहाँ से आसानी से लोन ले सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।